ऐश्वर्या, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली गुम की टीआरपी काफ़ी अच्छी चल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड एक और कॉन्ग्रेचुलेशन नील को जो है। यस, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के सीन के बारे में? क्या था आज का सीन? एग्जैक्टली। एंड वेल, ऐश्वर्या एज अ पाकी जाना चाहेंगे, जिस तरीके से करंट जो ट्रैक चल रहा है काफ़ी इमोशनल भरा भी है। एग्जैक्टली। एंड ऐश्वर्या, इसके अलावा अगर ये भी मैं जानना चाहूँगी, जब हम एक कैरेक्टर प्ले करते हैं तो इतना घुस जाते हैं उसके अंदर कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। मेरा नेक्स्ट सवाल ही वही था कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं शो को, ऑफकोर्स एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन काफ़ी जो है, एज ऐश्वर्या भी आपको काफ़ी टफ होता रहेगा कि वो चीज़ प्ले करना एंड स्पेशली दो जन के बीच में जो है ज़बरदस्ती इंटरफेयर करना। लेकिन फैंस जो हैं वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, उनका वैसा ही पर्सपेक्शन हो जाता है जिस तरीके से वो देखते हैं कि ये अगर ऐसी है तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी उस इंसान को वैसे ही जज करते हैं। एकदम बीइंग अ पब्लिक फिगर, आपको कभी ये ऐसी चीज़ें बॉदर करती है कि यार ये समझ नहीं पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, या फिर अब आपको वो चीज़ें? दैट्स नाइस ऐश्वर्या, काफ़ी स्पॉन्टेनियस और काफ़ी पॉजिटिवली आप ले रहे हो ये सारी चीज़ों को, जो लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जो आपको पर्सनली जानते हैं। एंड इसके अलावा अगर बात करूँ तो आने वाले साल की, तो ये साल से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन एंड हाउ वॉज यू 2020?
लास्ट ईयर कैसा था आपका 2022 का? इस साल के लिए कुछ रेजोल्यूशंस बनाए हैं आपने? लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आने वाले वक्त में? गुम में और क्या कुछ अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं?